Hello students, welcome to your science class once again. In our last video we read the part 1 of chapter 3. So in this video we will read part 2 of chapter 3, safety and first aid. So let's start kids. In this video we will cover these three topics: first aid tips, first aid box. So let's start. Most of the students are already aware about first aid, so let's read it. First aid, the immediate help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. Okay, so doctor ke aane se pehle kisi bhi injured person ko jo first hum usko medical help dete hain, that is called first aid. Usko immediate jo hum uske liye jo bhi karte hain usko cure karne ke liye, so that is called first aid. First aid plays an important part in our everyday life at home, in school or in playground. Everyone should learn about first aid. The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. Students, first aid हमारी life में एक बहुत ही important part play करता है everyday life में, चाहे हम school में हो चाहे playground में हो. Everyone should learn about first aid. सभी को first aid के बारे में पता होना चाहिए, सबको इसके बारे में सीखना चाहिए. The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. यानी किसी भी injured person को, कोई घायल इंसान है उसको doctor के पास ले जाना चाहिए, पर उससे पहले आपको उसे कुछ भी first aid देनी चाहिए. ठीक है, कोई भी उसके आप उसके लिए छोटे मोटा ट्रीटमेंट घर में भी कर सकते हैं बिफोर टेकिंग टू अ डॉक्टर. डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड. यानी अलग अलग तरह की इंजरीज के लिए अलग अलग टाइप की फर्स्ट एड यूज होती है. सो नाउ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दीज इंजरीज. सो स्टार्ट, लेट्स. दीज आर सम कॉमन फर्स्ट एड टिप्स. Firstly, for cuts and wounds, wash your hands thoroughly before giving first aid to an injured person. यानी किसी भी injured person को कोई भी first aid देने से पहले we have to wash our hands properly. Okay? In case of a deep cut, remove all the dirt from the wound. यानी अगर कोई गहरा कट लग जाता है पैर में, deep cut हो जाता है, तो firstly you have to remove all the dirt from the वुंड. यानी घाव से सारा आपको जो भी डर्ट है उसको सबसे पहले रिमूव करना है. देन क्लियर द स्किन अराउंड इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. टाई बैंडेज अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग. देन आपको क्या करना है, आपको स्किन को क्लीन करना है कॉटन के स्मॉल पैड से. बट फर्स्टली आपको उस पैड को सोक करना है, भिगो लेना है एक एंटीसेप्टिक लोशन में. ओके, सो जिससे कि जो भी जर्म्स हैं, जो भी जर्म्स वगैरह हैं, वो सब आपकी वुंड से हट जाएं. टाई अ बैंडेज अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग. देन सिंपली टाई अ बैंडेज, इसके चारों तरफ एक बैंडेज बांधिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए. ठीक है, खून बहना बंद हो जाए. फोर्थ पॉइंट इज पुट अ बैंडेड फॉर अ माइनर कट. यानी अगर छोटा सा कट लगा है तो आप सिंपली उसके ऊपर एक बैंडेड भी लगा सकते हैं. ओके, फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. नाउ फॉर माइनर बर्न्स, अगर छोटा मोटा जल जाए तो आपको उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है. टू ट्रीट माइनर बर्न्स कीप द बर्नड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर. ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा आपको बर्न्ड हो जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू कीप द बर्नड एरिया अंडर अ कोल्ड रनिंग वाटर. ठीक है, पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स. यानी जहाँ पर भी आपको जल गया है उस एरिया पर आपको कुछ देर के लिए आइस पैक को रखना है. Then apply an antiseptic cream on the burnt part, and after then you can apply antiseptic cream on the burnt area. Okay. Now, our next is for insect bites. What treatment we can do for insect bites? To treat insect bites, put a paste of baking soda and cold cream on the affected area. ठीक है, आप उस एरिया में क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा और क्रीम का पेस्ट भी लगा सकते हैं. सेकेंड इज प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया. यानी जहाँ पर भी आपको चोट, जहाँ पर भी आपको इंसेक्ट बाइट हुआ है वहाँ पर आप आइस क्यूब्स को लगा सकते हैं. अप्लाई कैलेमाइन लोशन इन केस ऑफ
इचिंग, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है उस एरिया में, यू कैन अप्लाई, सिंपली अप्लाई ए कैलामाइन लोशन. ओके, फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट, यू कैन दीज आर द फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ अ पर्सन फेंट्स, यानी अगर कोई इंसान बेहोश हो जाता है, देन वट फर्स्ट एड यू कैन गिव टू द फेंटेड पर्सन. When a person get fainted, make him or her lie down with the head at a level lower than the body. ठीक है, जब भी कोई person fainted हो जाए, बेहोश हो जाए, तो सबसे पहले आपको उसको लेटा देना है. Then आपको उसका जो level रखना है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो उसका head है वो body के level से निचाई पर हो और बाकी body का level थोड़ा अपर हो और उसकी head का level lower जाए. It allows rapid blood circulation टूअर्ड्स द ब्रेन. सो इससे होगा क्या कि ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पीपल, स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन द फेस एंड लूजन हिज क्लोथ्स. तो उसके आसपास बिल्कुल भी आपको क्राउड को कलेक्ट नहीं करना है, उसको फ्रेश एयर आने दीजिए. अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन एंड देन स्प्रिंकल कोल्ड वाटर, उसके फेस पर थोड़ा थोड़ा आप ठंडा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसके क्लोथ्स को लूजन कर सकते हैं, सो दैट ही विल ही और द पर्सन विल फील कंफर्टेबल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन हु हैज फेंटेड. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर नोज ब्लीडिंग. दिस इज द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग. इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, पिंच द नोज फॉर 7 to 8 minutes एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टिल ब्लीडिंग स्टॉप्स. पुट अ कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस. द माउथ शुड बी ओपन सो दैट द पर्सन कैन ब्रीथ थ्रू माउथ. स्टूडेंट्स, अभी कभी ऐसा कोई केस हो जाए आपके सामने जिसमें नोज ब्लीडिंग हो रही हो किसी को, देन यू हैव टू वट फर्स्ट एड वी कैन यूज़ फॉर दिस. फर्स्टली पिंच द नोज फॉर 7 to 8 minutes, यानी नोज को 7 से 8 minutes तक आपको पिंच करके रखना है. किस पोजिशन में, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आगे आपको झुक कर उसको पिंच करना है, पीछे होकर पिंच नहीं करना है. ओके, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टिल ब्लीडिंग स्टॉप, यानी आगे की तरफ रुक जाइए जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है. पुट अ कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस, यानी एक ठंडे पानी में तौलिए को भिगोकर कर, टॉवल को गीला करके आप उसको अपने फेस पर भी रख सकते हैं. एंड एट दैट टाइम योर माउथ शुड बी ओपन सो दैट यू कैन ब्रीथ थ्रू माउथ. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ यू हैव टू ट्रीट इन नोज ब्लीडिंग. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट एड बॉक्स. We all must have a first aid box in our homes and schools. The first aid box should contain an antiseptic lotion, sterilized gauze and cotton pads, a pair of scissors, band-aids, grip band-aid and antiseptic. Antiseptic cream means something that prevents infection. Okay. A thing that can prevent you from infection, जो आपको infection से बचाए, that is called antiseptic. Okay, it can be an antiseptic lotion, it can be a antiseptic cream. Okay, so these are some things which we are need in our first aid box. And we all must have a first aid box in our homes and school because injury can be occur anytime. Okay. We have always prepared for that, how to treat minor injuries. Okay, how to treat the injuries before the doctor's arrival. Okay, how to do the first aid of any person in any situation. I hope this chapter is very clear to you, and your homework is to read all the topics we have covered in the video today. Till then, now we will meet in our next science class. Thank you and have a nice day.